हिंदुस्तान के और एक बहुत बड़े आलिम थे सैयद सुलेमान नदवी, हमारा था हमारे ज़माने से, हम शायद हम बच्चे थे क्या, शायद 60s में कुछ उनका इंतकाल हुआ है जहाँ तक मेरा है। हिंदुस्तान के बाद वो ये तकसीम पाकिस्तान चले गए, वहीं इंतकाल उनका हुआ है। तो ये जो है नदवा के फारिग थे, तो उसके बाद जो है पूरे दुनिया में इनका शोहरा था सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन किसी से बैत नहीं थे, तो उनको ऐसी बेचैनी थी पता नहीं क्या मालूम। तो थाना भवन आ गए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर, वहाँ जो है जो पैसा बैठे देखे तो इनकी बेचैनी जा रही थी। फिर आखिर थाने से बोले कि जो है हजरत मुझे कुछ नसीहत करो, बोले हूँ सर थानी क्या बोलेंगे भाई, तुम्हें तो इतने बड़े आलिम हूँ मैं क्या बोलूँ। तो ये राह दीन की राह ऐसा है कि मुझे अपने आप को मिटाना पड़ता है, बोले यहाँ अपने आप को मिटा देना है, बोले बस सुनना था कि रोना क्यों कर दिया, अपने आप तक आते समझ में दुनिया का सबसे बड़ा आलिम समझ के बैठे थे ना। ये जुमला सुनते ही उन पर जो है गिरिया तारी हो गया, मैं आप मुझे बैत कर ले, बोले बैत हाँ अब आ गया, बोले बैत हो सर उनको बैत कर लेंगे, कब तुम्हारी जो तहकीकात हैं जो तुम्हें उनका रिसाला निकलता था, क्या उसका रिसाले का नाम याद नहीं रहा, महाना उनका रिसाला निकलता था, तो उस रिसाले के अंदर जो है इनकी तहकीकात थी ना, बड़े बहुत बड़े मौकिक बोल के स्कॉलर बोल के जो चाहे तहकीक करते, तुम्हारी जो तहकीक है वो हमारे जमहूर उलमा के खिलाफ, ये बात आप बार बार सुने हैं, हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, जो जमहूर उलमा का अकीदा वो होना चाहिए, मेरा एक अकीदा अलग आपका एक ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जमहूर उलमा का क्या अकीदा है हमारा सब वही अकीदा होना चाहिए, उसके खिलाफ जाना जो है गुमराही है। जमहूर उलमा क्या कहते हैं अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, तमाम जो भी है बरत, जमहूर उलमा का जो अकीदा है हमारा वो अकीदा होना चाहिए, मेरा एक अलग अकीदा, तुम्हारा दिन अलग है मेरा दिन, ऐसा कैसा साहब नहीं, मेरा जो अकीदा है वो जमहूर का अकीदा क्या है वो देखना चाहिए। तो तुम्हारी तहकीक है जो जमहूर के खिलाफ है, बोले थानी रहा वो सब जो है तुम पहले जो है लिखो कि मैं मुझसे गलती ही निकला हूँ। आई देखो कौन करता है, बोलो भाई वही इतना बड़ा दुनिया का उस वक्त बहुत मशहूर हो गए थे उन्होंने, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया मशहूर थे सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। तो उसके बाद जो है उनके दिल में इस्लाह करने की तड़प थी, तलब थी ना भाई, अच्छा कर जाके उनका जो रिसाला है उसमें लिख कर ला कर दिखाए कि मैं इस अपनी तमाम तहरीरात को जो है रद्द कर देता हूँ, नहीं मानता हूँ, निकाल दो मेरी किताबों से, देख रहे हैं फौरन उस पर बैत कर ली उन्होंने। बैत करने के बाद जो है पूरे दुनिया में यह हिंदुस्तान मशहूर हो गए, अरे वो सुलेमान नदवी इतने बड़े आलिम जब वो हजरत थानवी से देखे थे वो क्या है, ऐसा कैसा हूँ क्या उन्होंने सुलेमान नदवी उन्होंने थानवी आपको सुलेमान से बैत होना था, ये उल्टा हुआ काम कर बोले लोग तुम्हें की बैठे उन्होंने तुम्हारे से बैठा होना, तुम्हारा अच्छा आलिम क्या क्या बोले बोले वहाँ की बात अलग है बोले। तो उसके बाद जो है जो उनके अंदर कैफियत पैदा हुई, जो उनको जो है इखलास अंदर पैदा हुआ, उनके शागिर्द किनके, सुलेमान नदवी के शागिर्द हैं प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ खान साहब, उन्होंने लिखे। देखो तो हजरत सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत नबी मशहूर है मालूम है, 7 जिल्दों में सीरत नबी उनकी है, सीरत आयशा है, सीरत इमाम मालिक है, बेशुमार किताबें तामीर इसमें एक जो रिसाला अरबी में आ रहा है उसके अंदर जो है उनकी कुरानी तहकीक पर एक साल भर मजमूना कुरान की तहकीक क्या थी उनकी, इतने बड़े आलिम थे। तो उनकी किताब है ये जो कौन रही सुलू के सुलेमानी, प्रोफेसर अशरफ खान साहब तेरी फरमाते हैं, तो इन्होंने जो है उनके इनकी शागिर्द किनके सुलेमान नदवी की शागिर्द, तो कह रहे हैं कि मैं जब गया तो उनको पूछे अपने शागिर्द को क्या तुमने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी कि नहीं, पूछूँ फिर क्या फरमाते हैं वहाँ से, तुम बोले उन्होंने मैंने नहीं पढ़ा, बोले वो इनकी शागिर्द कौन है अशरफ खान साहब नहीं पढ़ा, तो क्या बोल रहे हैं उसे, हजरत थानवी के मलफूजात और मवाइज पढ़िए वहाँ हर चीज़ अंदर से फूट कर निकलती है, इतना बड़ा आलिम दुनिया का आलिम गया हजरत थानवी के बारे में क्या करा देते। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात और मवाइज का ज़रूर मुताला किया करो, बेहद मुनाफा होगा, इल्म सही मिलेगा और हक़ व बातिल की तमीज़ बताओगी।